हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एलविशा यादव और मनीषा रानी के रिलेटेड। तो एलविशा फैन के लिए गुड न्यूज़ है, आपको बहुत जल्दी मनीषा रानी और एलविशा यादव का म्यूजिक वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसके रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला और उस पोस्ट ने एक रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया। उसको 18 मिनट के अंदर 1 मिलियन लाइक्स मिल गए। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है गेमर फ्लिट के रिलेटेड। तो गेमर फ्लिट के एक लाइव स्ट्रीम को टेक डाउन कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, जिसमें उन्होंने गन शो किया था जो कि एक प्लास्टिक की गन थी और गन पॉलिसी की वजह से उसको टेक डाउन कर दिया गया, जहां उसके बाद उन्होंने अपील भी की पर उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है बिग बॉस 17 के रिलेटेड। तो बिग बॉस 17 के हाउस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें एक साइड में काफ़ी लग्जेरियस फैसिलिटीज़ रहेंगी और दूसरे साइड में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि बेड तक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है आशिकी 3 के रिलेटेड। तो आशिकी 3 में आपको कार्तिक आर्यन के साथ तारा सुतारिया देखने को मिलेंगी लीड रोल में। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है संजय दत्त और राम पोथिनेनी की न्यू मूवी डबल स्मार्ट के रिलेटेड, जो कि रिलीज होगी 8 मार्च 2024 में। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है मुन्ना भाई 3 के रिलेटेड। तो संजय दत्त ने ट्वीट किया विधु विनोद चोपड़ा, जो कि मुन्ना भाई के प्रोड्यूसर है, उनकी न्यू मूवी 12th फेल के रिलेटेड, जहां उन्होंने मुन्ना भाई के बारे में भी बात की। उन्होंने लिखा फिल्म लुकिंग ग्रेट, सरजी प्रिंग, इट्स अ विनर, ऑल द बेस्ट नाउ वेटिंग फॉर मुन्ना भाई। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है विकी कौशल और रश्मिका मंदाना के रिलेटेड। तो आपको दोनों जन एक साथ एक मूवी में देखने को मिलेंगे, जिसमें विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले करेंगे। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।